हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ थे। देखिए, आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। वैसे तो पहले भी एक वीडियो आ चुकी है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, पर उनमें क्या था कि डेनोमिनेटर सेम थे जो हमने आपको समझाए थे, लेकिन आज हम आपको डेनोमिनेटर सेम करके उसको एडिशन करना सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी डिजिट है 2/5 एंड प्लस 7/12 एंड प्लस 11/15। सबसे पहले हमने इनका डेनोमिनेटर देखा तो वो डिफरेंट है तीनों में, तो हमने इसका सेम करना है। सबसे पहले तो हमने इसके लिए रूल है जो हमारा एलसीएम लिया हमने 5, 12 एंड 15। सबसे छोटे टेबल से शुरू करते हैं। 2 के टेबल में इन तीनों में से कौन सी डिजिट आती है? 12। 2, 6, 12। बाकी हमने सेम इसी तरीके से लिख दिए। फिर देखा कि 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है? 3 पर। बाकी इसी तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट आपका, आप देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी, तो हमने 3 का टेबल काउंट करना शुरू किया। 3 1 3 एंड 3 5 15। अब देखा कि कौन बचा है? 5 बचा है केवल। 5 का टेबल लिया तो 1 और 1 इधर आ गया, तो ये अब सवाल कंप्लीट हुआ एलसीएम का। अब हम इनकी डिजिट की इनटू करके हम देख सकते हैं कि एलसीएम इसका क्या है। 5 3 15 2 30 32 60। आप देख रहे हैं कि 60 इसका एलसीएम आया। अब हम इसका एडिशन इस तरीके से करेंगे, जो डेनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करना होता है। तो 60 को हमने डिवाइड किया बाय 5, तो हमने देखा कि डिवाइड करके आया हमारा 12। तो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर है उससे इनटू में लिखा जाएगा 12, 2 × 12 प्लस, फिर से हम यही रूल फॉलो करेंगे, डिवाइड बाय 12, देन आया 5 एंड 7 × 5 प्लस। अब देखिए 60 को डिवाइड किया 15 से, तब आया हमारा 4, 11 × 4। अब इसकी इंटू कीजिए, 12 × 24 प्लस 7 × 5 = 35 एंड 11 × 4 = 44। अब इसके बाद हम लिखेंगे 60 के बाद हमने इनका एडिशन किया, 4 + 5 = 9 और 9 + 4 = 13 कैरी, 3 और 3 = 6 और 4 = 10 अपॉन आया 60।